हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल व्हीकल इन्फो। तो आज है हमारे पास किया सिराटो, जो कि 2019 मॉडल है। तो इस व्हीकल में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका फ्यूल गेज काम नहीं कर रहा है। तो ये पुश स्टार्ट व्हीकल है, ये इसका स्मार्ट की है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को। गाइस, जैसे कि देख सकते हो, गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया हूँ और इसका जो फ्यूल गेज है उसका लाइट आ रहा है कि पेट्रोल नहीं है करके, लेकिन इसमें फ्यूल बहुत है, जैसे कि लो फ्यूल करके दिखा रहा है। और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के साथ में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग फ्यूज़ चेक कर लेंगे। तो इसका फ्यूज़ बॉक्स का यहाँ पर दिया है डैशबोर्ड का, तो ये रहा फ्यूज़। तो सारे के सारे फ्यूज़ हम लोग चेक कर लेंगे तो उसमें अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि फ्यूज़ चेक कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप मेरा यही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो फ्यूज़ पहले चेक कीजिए। बेसिक है, बेसिक आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये हमारा बाहर का फ्यूज़ है, मैंने अंदर का चेक कर लिया तो प्रॉपर बराबर है। तो उसको भी मैंने एक टेस्टिंग लैंप मैंने खुद बनाया हूँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने अर्थिंग में टच किया हूँ और ये मेन यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ कि करंट आ रहा है कि नहीं। इग्निशन ऑन रखना है आपको, अंदर में इग्निशन ऑन होना चाहिए और आप लोग ऐसा फ्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक लाइट चल रही है, एक लाइट नहीं चल रही है, इसमें एक फ्यूज़ ख़राब है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ ख़राब है, तो मैं उसको निकाल लेता हूँ। तो ये 20 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो स्पेयर फ्यूज़ अवेलेबल है यहाँ पर ही। ये स्पेयर फ्यूज़ है हमारा, तो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं अपने पास से चेंज कर लूँगा 20 एम्पियर का। और आप लोग जितना एम्पियर का फ्यूज़ है उतना ही एम्पियर का फ्यूज़ लगाइएगा। तो ये मेरे पास 20 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो मैं अभी आपको लगा के चेक करके बताता हूँ। तो ये मैंने लगा लिया हूँ, अच्छे से पुश कीजिएगा, अंदर साइड में बैठना चाहिए दोनों भी लॉक। अभी चेक करके देखते हैं। तो अभी ये लाइट जल रहा है और ये लेफ्ट साइड में भी देख लेंगे, तो अभी ये लाइट जल रहा है। तो इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ ख़राब हो गया है एक, तो ये फ्यूज़ का काम हो गया है हमारा। और दूसरा एक और एक प्रॉब्लम है इसमें, तो वीडियो में बने रहिए। तो अभी मैं फ्यूज़ डालने के बाद मैं स्टार्ट करके चेक कर रहा हूँ, तो फिर भी सेम प्रॉब्लम है। उसमें ऊपर किलोमीटर रेंज नहीं दिखा रहा है और पेट्रोल का लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसलिए एक बार आप लोग फिर से देख लो, ये पेट्रोल का लाइट ब्लिंक कर रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। और ऊपर में आप लोग देख सकते हैं 3 डॉट्स आ रहे किलोमीटर, मतलब रेंज दिखा रहा है पेट्रोल का 0-0। तो अभी मैं सीट खोल लेता हूँ इसका पीछे का, इसका फ्यूल पम्प यहाँ पे है, तो फ्यूल पम्प खोल के चेक करेंगे हम लोग। तो सीट खोलने के बाद ये हमारा फ्यूल पम्प है, इसके एक लॉक है, वो लॉक खोल लिया मैंने। तो ये हमारा फ्यूल पम्प है। तो सबसे पहले आप लोग सॉकेट निकाल लीजिए, ये 4 पिन का सॉकेट है, 2 फ्यूल पम्प के है और 2 गेज के वायर है इसमें, तो ईज़िली निकल जाएगा। तो जो मोटा 2 वायर रहेगा, थिकनेस उसका जो ज़्यादा रहेगा 2, तो वो फ्यूल पम्प के है। जैसे कि ये आगे के 2 वाइट एंड ब्लैक जो दिख रहे हैं, ये वाइट वाला और ये ब्लैक वाला फ्यूल पम्प के, और ये जो ब्लैक और ब्राउन जो है ये फ्यूल गेज के। तो वायरिंग वगैरह आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से नई गाड़ी है तो वायरिंग वगैरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दूसरा ही प्रॉब्लम है तो आपको बताता हूँ मैं। तो गाइस, इसको खोलने के लिए सबसे पहले दोनों पाइप को खोलना पड़ेगा, और ये हमारे जो बोल्ट हैं 8 नंबर के, ये पूरे के पूरे खोलना पड़ेगा। तो एक बार मैं खोल लेता हूँ और आपको बाहर निकाल के मिलता हूँ फ्यूल पम्प को। तो गाइस, मैंने फ्यूल पम्प को बाहर निकाला हूँ, तो इसमें थोड़ा एबनॉर्मल चीज़ मुझे लगा है कि ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये फ्यूल गेज जो है, फ्यूल गेज का जो लोकेशन है आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैं जूम करके थोड़ा बता रहा हूँ अच्छे से आपको क्लियर देखने के लिए। ये फ्यूल पम्प है, ये जो प्लास्टिक है जो लॉक हो गया है, ये इधर पे ऊपर जा ही नहीं सकता, वो पीछे साइड में आ गया है। ये देखिए, अभी मैं उसको आगे साइड में लूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अभी मैं उसको आगे लूँगा, ऊपर उठा के थोड़ा सा, अभी मैंने आगे किया। तो ये हमारा नॉर्मल इस पोजिशन में आना चाहिए, लेकिन वो उस बाजू चले गया, पीछे साइड में चले गया, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के पीछे साइड में था, तो हम लोग ने इसे उठा के उसको आगे साइड में किए। तो आप लोग देख सकते हैं, ये वर्क बराबर करेगा अभी मेरे ख्याल से। तो एक बार
मैं चेक करके बताऊंगा, फिर भी आप लोग ऐसा मूवमेंट करके देख लीजिएगा ऊपर नीचे, ठीक है, बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने हाथ से मैन्युअली करना है उसको, ठीक है। तो प्रॉपर है अभी, ये देखिए। तो ये प्लास्टिक के पीछे साइड में था, ध्यान से अभी बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो एक बार मैं फ्यूल पंप में लगा के चेक करता हूँ। तो अभी इस मैंने सिर्फ क्या किया हूँ, सॉकेट लगाया हूँ ऊपर से, सॉकेट लगा देंगे। ये सॉकेट है हमारा फ्यूल पंप का, और यही पोजीशन में रखेंगे फ्यूल पंप को और लगा के चेक करेंगे। तो गाइज़ मैंने सॉकेट को अच्छे से लगा लिया हूँ, और इसको मैं, ये एम्प्टी साइड है नीचे का, और ये फुल साइड में ऊपर करूँगा, ये फुल साइड हो गया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर की तरफ लेके लॉक कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे होल्ड कर दिया। अभी ये नीचे है, ठीक है, ये एम्प्टी साइड है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, ये फुल साइज़ है, ठीक है, और नीचे नीचे साइड में एम्प्टी रहेगा। तो आप लोग भी ध्यान से, अभी मैं फुल पे रख के मैं आपको गाड़ी को चेक करके बताता हूँ। पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लूँगा मैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, सिर्फ मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इग्निशन ऑन किया हूँ, तो फुल दिखा रहा है पेट्रोल, और ऊपर किलोमीटर भी लिख के दिखा गया, 610 करके किलोमीटर चलेगा गाड़ी आपका। और यहाँ पे फुल पे आ गया है गेज आपका। तो अभी मैं आपको ये देख सकते हो कि अभी मैं नीचे डाउन की तरफ करूँगा थोड़ा सा, देखते हैं कम होता है या नहीं होता है। तो मैंने एम्प्टी साइड में कर दिया हूँ अभी। तो यहाँ पे अभी क्लस्टर मीटर में देखेंगे कि फ्यूल कम हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे फ्यूल कमती होना स्टार्ट हो गया है। तो हमारा गेज जो है प्रॉपर है, बस वो जो प्लास्टिक था बैक साइड में चले गया था गेज का, वो किस वजह से गया था ये भी आपको बताऊँगा मैं कि ऐसा क्यों हुआ इसमें। तो वीडियो में बने रहे, और अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो और आगे करते हैं। तो गाइस मैंने फ्यूल टैंक जब मैं फ़िक्स करता था तो प्रॉपर फिक्स नहीं होता था, तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो डैमेज हो गया है, नीचे से एक्सीडेंट हो गई है गाड़ी, पत्थर वगैरह लग गया रहेगा इधर पर। तो ये तो देखिए, आप लोग पत्थर देख सकते हो, ये बैंड हो गया है, ये बैंड हो गया है पूरा। और आगे साइड में आप लोग को दिखाया हूँ, फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे डैमेज है, ये एक डैमेज है। तो इस वजह से वहाँ पे फ्यूल पंप जो है बैठ नहीं पाता था, तो अभी मैंने इसको नीचे से साइड में थोड़ा ठोक के तो बिठा दिया हूँ, क्योंकि टैंक आने टाइम लगेगा। तो अभी मैंने फ्यूल पम्प भी फिक्स कर लिया हूँ, तो इसमें अभी प्रॉपर रेंज दिखा रहा है, 325 किलोमीटर चलेगा गाड़ी आपका। अभी आप फ्यूल गेज भी देख सकते हो, बराबर है। तो अभी मैंने फ़िक्स कर लिया हूँ टोटल, अभी हमारा काम पूरा हो गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि गाड़ी नीचे से एक्सीडेंट हुई, इस वजह से वो गेज स्टक हुआ, स्टक होने के बाद में उसने फ्यूज को शॉर्ट किया उसने, तो ये एक्सीडेंट होने की वजह से, नीचे टैंक में माल लगने की वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।